सादगी भरा अंदाज और शालीन स्वभाव, देश के लिए निष्ठा और काम करने का जज्बा उनकी पहचान बन चुकी है। घंटों लगातार काम करने के बावजूद उनका हंसता हुआ चेहरा साथ काम करने वाले लोगों में एक नई ऊर्जा भर देता है। सही समय पर कठोर फैसले लेने की क्षमता उनको दूसरे लीडर से थोड़ा अलग बनाता है। एक बार जब वे चले तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे, बस तरक्की पे तरक्की पाते चले गए। हम बात कर रहे हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल की। वही पीयूष गोयल जिनके काम पर भरोसा करके उन्हें अरुण जेटली की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। 13 जून 1964 को मुंबई में पैदा हुए पीयूष गोयल शुरू से ही पढ़ाई में तेज रहे। यही वजह थी कि सीए में उन्होंने पूरे भारत में दूसरा नंबर हासिल करके रिकॉर्ड बना दिया था। उनके पिता वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। परिवार हमेशा संघ के प्रभाव में रहा। पीयूष गोयल बचपन से ही संघ के संस्कारों से प्रभावित थे। कानून की पढ़ाई करने वाले गोयल ने 1984 में भाजपा ज्वाइन किया और धीरे धीरे उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंपी जाने लगी। 2010 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया और इसी साल वो राज्यसभा के लिए सांसद भी चुने गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य से शुरू हुआ उनका सफर लगातार आगे बढ़ता रहा और उन्हें जो जिम्मेदारी मिलती गई वो उसको पूरी शिद्दत से निभाते गए। पीयूष के काम का डंका बजने लगा और 27 मई 2014 में उन्हें मोदी सरकार में विद्युत और कोयला मंत्री बनाया गया। जब उन्हें यह पद मिला तो उनके सामने बड़ी चुनौतियां मुंबई खड़ी थी, क्योंकि भारत के 18,500 गांव ऐसे थे जहां तक कभी बिजली ही नहीं पहुंची थी। सरकार ने 1000 दिन में भारत को रोशन करने की बात तो कह दी, लेकिन इतने कम समय में ऐसा करना काफी मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती। लेकिन पीयूष गोयल की दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत तय समय से पहले उन गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई और अप्रैल 2017 तक देश का प्रत्येक गांव रोशन हो गया। इसके लिए बाकायदा उन्हें पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने सम्मानित भी किया था। पीयूष गोयल ने बिजली के घंटों में भी सुधार करने के लिए कई परियोजनाओं को शुरू किया और यही वजह है कि आज गांव में 18 से 19 घंटे और शहरों में 23 से 24 घंटे तक बिजली आने लगी है। इन सबके बाद केंद्र सरकार का पीयूष पर भरोसा और बढ़ा और पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय सौंप दिया गया, जहां पीयूष ने सुरेश प्रभु के नक्शे कदम पर चलते हुए रेलवे को नई दशा दिशा दे दी। रेलवे में उपयुक्त सुधार होने लगे, सिंगल लाइनों का दोहरीकरण होने लगा। गोयल की अगुवाई में पैसेंजर के समय की कीमत को समझते हुए रेलवे में सेमी बुलेट ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हो गया। मेक इन इंडिया के तहत बनी ट्रेन 160 से ज्यादा किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली पहली ट्रेन बन गई। यात्रियों के एक फोन से सभी समस्याएं सॉल्व होने लगी, एक ट्वीट से सबकी सुनवाई होने लगी। वाकई ये सब करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उनके काम करने का अंदाज बिल्कुल जुदा है। शायद यही वजह है कि वो खुद नरेंद्र मोदी के फेवरेट माने जाते हैं। अब अगर अरुण जेटली की अनुपस्थिति में पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है और हमारे सूत्रों की माने तो वे वित्त मंत्री के रूप में मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश करने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप उनकी कार्यशैली और उनके ओहदे का अंदाजा लगा सकते हैं। पीयूष गोयल जैसा काम अगर हर मंत्री करने लगे तो अच्छे दिनों को आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।